ओके okay, अब प्र, प्रोडक्ट डिसीजंस जो हैं वो किस पर बेस कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ने जो गुड्स और सर्विसेज सोसाइटी को प्रोवाइड करने हैं एक तो वो आ, उसके डिसीजन के अंदर प्रोडक्ट के डिसीजन में आ जाता है कि कौन सी गुड्स कौन सी सर्विस हमने प्रोवाइड करनी है आ, जो कंपनीज हैं आजकल ज़्यादातर वो कोर जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर फोकस करती हैं डेवलप करने के लिए जो पेरिफेरल के प्रोडक्ट्स हैं जो कि उनकी कोर बिजनेस का हिस्सा नहीं है वो आमतौर पर उसको आउटसोर्स कर देंगे सो दैट इज़ अनदर प्रोडक्ट डिसीजन के कौन से हमारे कोर प्रोडक्ट्स हैं किसको हमने इन हाउस डिवेलप करना और किस हमने आउटसोर्स कर देना फिर कस्टमर जो है वो सेटिस्फेक्शन बाय करते हैं नॉट जस्ट प्रोडक्ट और सर्विस सेटिस्फेक्शन कई तरीक़ों से आती है इट इज़ नॉट जस्ट कि जी ये प्रोडक्ट अच्छा है तो ये सेटिस्फेक्शन आ गई नहीं उधर आपको ट्रीट किस तरह किया जा रहा है फॉर एग्जांपल आप किसी दुकान पे जाते हो परचेज़ करने के लिए आ, कपड़ा तो दुकानदार कुछ दुकानदार हैं वो आपको बैठाएंगे, आपको चाय पानी पूछेंगे सॉफ्ट ड्रिंक पूछेंगे फिर आपको बड़े आ, आ, अच्छे तरीके से डिफरेंट कपड़े दिखाएंगे उसमें से आप परचेज करें और फिर आप चले जाएं तो यू वुड लाइक के यू विल कम यू शुड कम बैक टू दिस शॉप अगेन अगर कभी जरूरत पड़े तो वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन देख रहा होता है तो उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो दे आर अदर फैक्टर्स आल्सो जो कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं अदर देन जस्ट अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट ये जो क्या कहते हैं फंडामेंटल टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी विद इम्प्लीकेशन थ्रू आउट द प्रोडक्ट फंक्शन ये जो प्रोडक्ट डिसीजन है दैट इज बेसिकली आपके जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी का फंडामेंटल बेसिस है ठीक है कि प्रोडक्ट डिसीजन के बेस के ऊपर आपके सारा वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होगी दैट विल बी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन के इसने ये प्रोडक्ट डिसीजन आपने क्या लिया हुआ है अब प्रोडक्ट डिसीजन के अगर हम देखें तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज इम्पॉर्टेंट इन डिसाइडिंग कौन सा प्रोडक्ट आपने लॉन्च करना है अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मे बी फ्यू आर प्रोडक्ट ऐसा है कि जी घंटों में ख़त्म हो जाएगा और इट इज़ वेरी लेंथी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फॉर एग्जांपल सॉल्ट अगर आप देखें तो उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत ही ही है वो मेच्योरिटी स्टेज पर पता नहीं कब से पड़ा हुआ है और वो कंटिन्यू कर रहा है मेच्योरिटी स्टेज में उसकी डिक्लाइन चेज अभी तक नहीं आई तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सट्रीम केस ठीक है ऑपरेशन फंक्शन का काम किया है कि वो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें सक्सेसफुली लेकिन वो कब करें कौन सा प्रोडक्ट करें दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक प्रोडक्ट है वो फॉर एग्जांपल वी थे तो वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल उसका चला है अब कब हमने नई टेक्नोलॉजी से जो कॉम्पैक्ट डिस्क इंट्रोड्यूस किया विच रिप्लेस वी सी आर तो उसको हमने कब इंट्रोड्यूस करना है कंपनी का डिपेंड्स कि कंपनी किस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही है और उस बेसिस के ऊपर फिर वो कंपनी डिसाइड करेगी देर आर फोर फेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर एंटर कर सकते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज में वो कंपनी एंटर करती है जो कि लीडरशिप रोल ली होती है वो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती है ठीक है उसको डेवलप करती है ग्रोथ होती है और देर आर कंपनीज जो कि जब ये प्रोडक्ट मेच्योरिटी स्टेज में जाता है तो वो कंपनी उसको प्रोडक्ट को छोड़ देती है और उसकी जगह नया प्रोडक्ट ले आती है देर आर कंपनीज़ जो कि ग्रोथ स्टेज के अंदर एंटर करती हैं जब वो देखती हैं कि ये प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो गया मार्केट में तो उस वक्त वो एंटर करती हैं देर आर अदर कंपनीज़ जो कि जब देखती हैं कि मच्योरिटी स्टेज में चला गया जिसको हम भेड़ चाल कहते हैं कि मच्योरिटी स्टेज में नज़र आता है कि प्रॉफिट कंपनीज़ बना रही हैं तो वो उस वक्त एंटर करते हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ठीक है तो ये तीन स्टेजेस हैं जहाँ कंपनीज एंटर करती हैं डिक्लाइन में ऑफ कोर्स क्योंकि प्रोडक्ट डिक्लाइन में जा रहा होता है तो उधर एंटर करने के बजाय कंपनीज़ लीव दैट स्टेज और उस प्रोडक्ट को वो टर्मिनेट कर देती हैं तो ये चार स्टेजेस हैं अगर हम इसको देखें चार स्टेजेस को विद रिस्पेक्ट टू

ये जो कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट है देन इट स्टार्ट गोइंग डाउन और आपके जो डिक्लाइन स्टेज है इसके अंदर बिल्कुल वो एक मिनिमम लेवल पे पहुंच जाती है क्योंकि सिर्फ प्रोडक्शन की फिर वो रहती है कॉस्ट डेवलपमेंट की कॉस्ट ख़त्म हो जाती है सेल्स रेवेन्यू को अगर हम देखें तो मच्योरिटी के अंदर जैसे एंटर करते हैं तो सेल्स रेवेन्यू उस वक्त हाईएस्ट लेवल पे पहुंचता है ये वो पॉइंट है जहाँ दूसरी कंपनीज को नजर आता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर बड़ा पैसा बन रहा है तो और कंपनीज़ भी इसमें एंटर कर जाती है और ये वो स्टेज है मच्योरिटी के जहाँ कॉस्ट बेस कंपटीशन होता है इस वक्त वॉल्यूम ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाते हैं तो वो जो इनके ओवर हैं और फिक्स कॉस्ट हैं वो स्प्रेड आउट uh, होती है ओवर लार्ज वॉल्यूम तो उसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट जो है ओवरहेड की फ़िक्स uh, कॉस्ट की वो कम हो जाती है तो उससे कॉस्ट के ऊपर वो एक्चुअली फाइट हो रही होती है कंपटीशन हो रहा होता है जबकि हम कैश फ्लो देखें तो नेगेटिव कैश फ्लोज होंगे टिल मिडल ऑफ ग्रोथ स्टेज नेगेटिव इसलिए कि जो डेवलपमेंट है उसमें रिटर्न कुछ नहीं आ रहा होता एक्चुअली प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा होता है उसमें चेंजेस आ रही होती हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही होती हैं तो उधर आप अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जबकि मैक्सिमाइज़ होता है आपका मेचोरिटी स्टेज के अंदर जब आप एंड पर पहुंचते हैं तो उस वक्त मैक्सिमाइज़ हो जाता है और फिर उसका डिक्लाइन स्टेज के अंदर कैश फ्लो जो है फिर वो नेगेटिव की तरफ चल जाता है और फिर अगर आप कंटिन्यू करते रहें तो यू विल एंड अप इन लॉस तो उससे पहले ही कंपनीज अपने आप को इससे बाहर निकाल लेती हैं और प्रोडक्ट को टर्मिनेट कर देती हैं नाउ इंट्रोडक्शन स्टेज इज़ बेसिकली हेयर वी फाइन ट्यून द प्रोडक्ट उसमें जो नया लेकर आए हैं उसको मार्केट के हिसाब से उसके अंदर चेंजेस आती हैं फ्रीक्वेंट चेंजेस होती हैं तो उसकी वजह से कॉस्ट uh, इसकी बढ़ती है तभी वो नेगेटिव कैश फ्लो होता है और इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है इन इंट्रोडक्शन स्टेज इधर ही आप सप्लायर्स वगैरह को भी डेवलप करते हैं ग्रोथ स्टेज के अंदर प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है उसके अंदर इतनी चेंजेस अब नहीं आती कम हो जाती हैं और इसके अंदर फोरकास्टिंग के बेसिस के ऊपर आप कैपेसिटी अपनी डिटरमिन करते हो कि ये ग्रोथ जो है ये कैसी जाएगी ठीक है तो इधर इट बिकम्स वेरी इम्पोर्टेंट कि कैपेसिटी जो है वो आप ठीक डिटरमिन uh, करें uh, इस दौरान कैपेसिटी uh, को इन्हांस भी किया जाएगा ऐड uh, करेंगे आप क्योंकि ग्रोथ uh, आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो रही है तो यू विल इन्हेंस योर कैपेसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी मच्योरिटी के अंदर जैसे मैंने बताया कि कम्पटिटर्स जो हैं वो आ जाते हैं वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं न्यू कम्पैटिटर्स आ जाते हैं और हाई uh, वॉलीम के ऊपर प्रोडक्शन होती है कॉस्ट बेस के ऊपर क्योंकि कंपटिशन होता है तो इनोवेटिव प्रोस प्रोडक्शन इज़ नीडेड कि प्रोसेस ऐसे हों जिससे आपकी कॉस्ट जो है वो लोअर हो सके uh, इम्प्रूव कॉस्ट कंट्रोल इसमें आ जाता है uh, आप जो लाइन uh, ऑफ uh, क्या कहते हैं प्रोडक्ट uh, प्रोड्यूस uh, कर रहे थे तो उसके अंदर आप उसको रिड्यूस करते हैं सो so दैट सिर्फ जो बहुत सक्सेसफुल है, वो हैं मॉडल्स uh, वो आप रखेंगे बाकियों को आप एलिमिनेट कर देंगे और एंड के अंदर आपके डिक्लाइन स्टेज है जहाँ यूजली कंपनीज जो हैं uh, प्रोडक्शन टर्मिनेट कर देती हैं प्रोडक्ट को टर्मिनेट कर देती हैं अनलेस uh, इस प्रोडक्ट की वजह से कंपनी को, को कोई स्पेशल कंट्रीब्यूशन uh, हो रही है कंपनी में तो शायद उसको कंटिन्यू करते रहें इवन लॉस भी इनकर कर रहे हो लेकिन यूजली इधर आकर कंपनीज जो हैं वो प्रोडक्ट टर्मिनेट कर देती हैं और इस स्टेज से बाहर निकल जाती हैं